अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। आज वो मैच था जो पाकिस्तान हार चुका है 14 रन से, और खैर बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तान हारने वाला था, बट थैंक्स टू बाबर आजम एज ऑलवेज। खैर वो बैटिंग करने नहीं आने वाले थे आज, बट 84 पे पाकिस्तान के 4 विकेट्स गिर चुकी थी। दैट्स वाई द सेवियर द मैन ऑफ क्राइसिस बाबर आजम ग्राउंड पे आए एंड ही प्लेड अ फिनोमिनल इनिंग। और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को हजीमत से बचाया, बट है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पाकिस्तान को उन्होंने विक्ट्री की जानिब गामजन कर दिया था। और खैर वो अगर रिटायर्ड आउट ना होते तो आई थिंक कि पाकिस्तान जीत जाता, बिकॉज जिस तरह के टच में वो नज़र आ रहे थे लग रहा था कि वो मैच फिनिश कर देंगे। बट बिकॉज के ये एक वार्म अप मैच था और हर किसी को ऑब्वियसली मौका मिलना चाहिए, तो उन्होंने अपने जो फिनिशर्स हैं उन्हें चेक करने की कोशिश की। खैर क्रेडिट देना पड़ेगा इफ्तिखार अहमद को भी कि उन्होंने बाबर आजम के साथ बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप लगाई। और फिर नीचे जो मोहम्मद नवाज ने भी अच्छी इनिंग खेली, 50 रन उन्होंने भी स्कोर किए, और अगर वो भी खैर मजीद खेल जाते हैं तो पाकिस्तान विन कर लेता, बिकॉज जस्ट 14 रन से ही पाकिस्तान है कि हारा है, जो कि थोड़ा सा डिसहार्टेंड ऑब्वियसली है, बिकॉज है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीतने वाला था और अच्छे है कि स्टेज पे था पाकिस्तान के। पाकिस्तान का रिक्वायर्ड भी जस्ट अंडर 6 था और करंट रेट पाकिस्तान का अच्छा था, जो कि मैंने तो खैर 350 चेस करते हुए नहीं देखा पाकिस्तान का कभी, पर स्टिल खैर पाकिस्तान ने अच्छा खेला। बैटिंग में जिस तरह से पहले भी मैंने कहा था कि बैटिंग अच्छी हुई थी, आज भी बाबर आजम की वजह से खैर बैटिंग अच्छी हुई, वरना तो हमें पूरी तरह से है कि कॉन्फिडेंस हमारा शटर करने के लिए हमारे जो बैट्समैन हैं, हमारे फ़खर जमान साहब, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, हैं खैर अभी भी हैं उम्मीदें तो, बट है कि मुझे उम्मीद थी कि आज वो परफॉर्म करेंगे। पूरा स्टेज उनके लिए सेट था, कंडीशंस उन्हें सूट करती हैं, लेकिन आज खैर वो नहीं परफॉर्म कर सके। और इमाम ने खैर आज इतना स्लो स्टार्ट नहीं लिया, सो थैंक्स टू हिम। अब्दुल्ला शफीक भी इम्प्रेस नहीं कर सके। शादाब खान जो मोहतरम कप्तानी कर रहे थे इस मैच में, वो भी कुछ नहीं कर सके, ना बॉल से ना बैट से। और बॉलिंग में भी खैर जो एक विकेट उन्हें मिली है वो बाबर आजम की ही मेहरबानी है, अच्छा कैच उन्होंने लिया, दैट्स वाई उन्हें एक विकेट मिल गई, बट है कि विकेट भी कोई वो बनती नहीं थी। शादाब खान बहुत ही बुरी फॉर्म में है एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें कुछ सख्त डिसीशन शायद लेने पड़े, क्योंकि उसामा मीर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। खैर बैटिंग में उसामा मीर ने भी कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एक छक्का कुछ उन्होंने मारा था, बट है कि बैटिंग वो अच्छी नहीं कर सके, बट बॉलिंग उन्होंने पहले मैच में भी अच्छी की थी और आज भी उन्होंने 2 क्रूशल विकेट और क्रूशल टाइम पे पाकिस्तान को लेके दी हैं। और 2 सेट बैट्समैन थे, अव्वल तो ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने ब्रेक की, इसके बाद भी दूसरी विकेट भी उन्होंने ही ली थी, तो उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग कराई है और इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई है। और खैर नवाज को भी 1 विकेट मिल गई, थैंक्स टू हिम के उन्होंने भी कुछ बॉलिंग में किया और इतने ज़्यादा रन्स भी नहीं दिए नवाज़ ने भी। ओवरऑल खैर बॉलिंग जो हमारी हुई है वो फास्ट बॉलिंग बहुत बुरी हुई है, और शादाब खान ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की है, और शाहीन से भी खैर सारे ओवर्स नहीं कराए गए, आई डोंट नो क्यों नहीं कराए गए, जब इतनी मार पड़ रही थी तो फिर आपको लास्ट में एक आधा ओवर शाहीन को दे देना चाहिए, लेकिन शायद शायद वो हारिस रऊफ की सेंचुरी का इंतज़ार कर रहे थे बेचारे, खैर अपनी सेंचुरी से जस्ट 3 रन ही शॉर्ट रहे, वरना एक है कि वेल डिजर्व सेंचुरी उनकी हो जाती। 1 विकेट खैर हारिस रऊफ को भी मिली और 97 रन उन्होंने दिए हैं 9 ओवर्स में, और अगर 10 ओवर उन्हें करवा लिया जाता तो वो एक सेंचुरी भी है कि डिजर्व करते थे आई थिंक, बिकॉज इतनी बुरी बॉलिंग अल्लाह, तो मुझे इतना सच में इतना गुस्सा था ना ये हारिस रऊफ की जो बॉलिंग और ये जो लाइन लेंथ देख के मुझे इतनी तप चढ़ी हुई थी कि क्या हो गया है, किस तरह की बॉलिंग वो कर रहे थे, ना वेरिएशन है, ना आप सही राइट एरियाज हिट कर रहे हो, ना आप यॉर्कर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, क्यों वो आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े इस तरह के शॉट्स मार रहे हैं, आप कुछ वेरिएशन तो लाओ। आप खुद बोलते हो कि यहाँ पे स्मार्ट बॉलिंग करेंगे तो आप है आप पेशेंस से करोगे तो आप कामयाब होगे, तो क्या हो गया,
अब क्या हो गया, क्यों पेशेंस नहीं था, क्यों स्मार्ट बॉलिंग नहीं थी, क्यों यॉर्कर्स नहीं थे, क्यों ऑन स्पॉट बॉलिंग नहीं हो रही थी। हारिस रऊफ ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। शाहीन ने खैर थोड़ी बेहतर बॉलिंग कराई थी, एक मेडन ओवर भी उन्होंने डलवाया, लेकिन जब रन पड़ रहे थे तब आपको शाहीन को टेस्ट करना ज़्यादा बनता था, तब आपको उसामा मीर को भी आप टेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। पता नहीं क्यों आपने क्यों नहीं किया, आपके बॉलर्स को टेस्ट क्यों नहीं किया। शाहीन को इतनी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, आपको उस वक्त शाहीन को ओवर देने चाहिए थे। जस्ट 6 ओवर कराए हैं शाहीन ने, एक मेडन डाला है, उसमें 25 रन दिए और विकेट कोई भी नहीं मिली शाहीन को। हसन अली ने भी खैर बेहतर बॉलिंग कराई है, आज 6 ओवर में उसने 23 रन दिए, तो आप हसन अली से एक ओवर करवा लेते। और आपने हारिस रऊफ पिटरा है तो उसको पिटवा रहे हो, पिटवा रहे हो, पिटवा रहे हो, क्या हो गया। हारिस रऊफ ने 97 रन दिए, 9 ओवर में एक विकेट जस्ट मिली है। और वसीम जूनियर भी अच्छी तरह से खैर खूब धुले हैं, उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग कराई है, शादाब खान ने अपने 10 ओवर करवाए हैं और उसमें 69 रन देकर जस्ट एक विकेट, वो भी बाबर आजम की मेहरबानी से उनको मिली है, वरना वो विकेट डिजर्व नहीं करते थे। और नवाज ने खैर बेहतर निस्बतन बेहतर बॉलिंग कराई है, और क्योंकि उन्होंने बैटिंग भी बेहतर कर ली, 50 रन उन्होंने कर लिए, तो खैर इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जो फील्डिंग की है वो भी नवाज की तरफ से, तो मैंने 2-3 मिस फील्ड्स तो देखी ही हैं। एक तो खैर वो यकीनी उन्होंने है कि रुक जाता, 2 रन होते, बट है कि मिस फील्ड हुई और बाउंड्री हो गई, और ये तो खैर हमारी असली रवायात हैं फील्डिंग के मामले में, बट स्टिल है कि हमने फील्डिंग बहुत ही बुरी की है और बॉलिंग हमने उससे ज़्यादा बुरी की है। खैर ये हसन और शाहीन आफरीदी से अगर लास्ट के डेथ के ओवर्स करवा लिए जाते तो उनका भी टेस्ट हो जाता कि वो किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। खैर हारिस रऊफ ने तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, एंड ही इज़ आर मेन डेथ बॉलर। और खैर उनकी आज इतनी धुलाई देख के मुझे यही हो रहा था कि अब हम वर्ल्ड कप में क्या करेंगे, क्या हमारा स्ट्रेटजी होगी। अगर हारिस रऊफ इसी तरह से रन्स कंसीड करते रहेंगे तो पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। और है कि आज चेजिंग में भी देख लिया, जो उस दिन बहुत से लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए, बाद में चेज हो जाएगा, जितने रन होंगे उतना चेज हो जाएगा, देख लिया क्या हुआ। मुझे पहले ही पता था ये रन चेज करने वाली शक्लें नहीं है इनकी, सिवाय बाबर आजम के अलावा और किसी को रन चेज करना नहीं आता है। आज मैं सच में बहुत ही मायूस हूँ, फखर जमान ने बहुत ही ज़्यादा मायूस किया है। आज बिल्कुल स्टेज सेट था उनके लिए, आज वो परफॉर्म कर सकते थे, सबके मुंह बंद कर सकते थे, वर्ल्ड कप के लिए अपना मोराल अपना कॉन्फिडेंस हाई कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। इमाम की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा था, और अब्दुल्ला शफीक ने भी खैर डिसअपॉइंट किया। साउथ शकील को आई डोंट नो क्यों बैटिंग नहीं दी गई, साउथ शकील को भेज देते और है कि खैर सही टाइम पे। वैसे बाबर आजम का पहले यही था कि आज बाबर और रिजवान दोनों बैटिंग नहीं करेंगे, बट इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान गिर चुका था तो बाबर आजम ने बैटिंग का फैसला किया और सही फैसला किया। वही बात है कि किसी से रन नहीं हो रहे थे, किसी से क्रीज पे खड़ा नहीं रहा जा रहा था, और बाबर आजम आए तो इफ्तिखार अहमद ने भी 80 रन बना दिए और बहुत ही अच्छे खैर रन उन्होंने बनाए। बट वही जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबर आजम जब खेल रहे होते हैं तो अपने साथ वाले प्लेयर को भी खिला रहे होते हैं। बहुत से लोग इस बात पर एग्री नहीं करते, बट ये बड़े प्लेयर की एक निशानी होती है कि वो अपने तरफ का तो खेलता ही खेलता है, लेकिन वो सामने वाले जो नॉन स्ट्राइकर एंड होता है उसकी तरफ से भी आधी क्रिकेट खेल रहा होता है और उसको भी खिलवा रहा होता है। तो इफ्तिखार अहमद को भी बाबर ने खिलवाया, नवाज के साथ भी है कि बाबर आजम थे और फिर बाबर आजम रिटायर्ड आउट हुए, उनको लगा कि शायद उनकी टीम कर लेगी, बट है कि टीम नहीं कर सकी। खैर 14 रन से ही शॉट हुए, बट बॉलिंग ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। और दिस इज़ नॉट डन मैन, दिस इज़ सिंपली नॉट डन। हम ख्वाब देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीते, हम सेमीफाइनल खेलें, और इस तरह की बॉलिंग के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते वर्ल्ड कप में, लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते। हमें डेथ ओवर्स अच्छे कराने पड़ेंगे। जमान खान के बारे में बहुत आवाज़ें उठ रही हैं, जमान खान को शामिल करना चाहिए। खैर एशिया कप में इसी तरह के डेथ ओवर्स में उनको बॉलिंग मिली थी और उन्होंने भी खैर डिसअपॉइंट किया था, बट स्टिल नवाज सॉरी जमान ने काफ़ी कुछ किया हुआ है पीएसएल में और लीग क्रिकेट में, तो चांस है कि देखा जा सकता था उन्हें, बट आई थिंक वो रिजर्व में हैं और कुछ इस तरह का कुछ है, कुछ लॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई थिंक वो और अबरार नहीं खेल सकते थे। और मोहम्मद हारिस भी चूंकि रिजर्व में ही थे बट वो विकेट कीपर हैं, तो शायद इस वजह से उन्हें आज चांस दिया गया। और खैर मोहम्मद हारिस आज बैटिंग के लिए आए थे या नहीं आए थे, खैर मुझे तो खैर गुस्सा इतना आ रहा था इतनी शानदार बैटिंग देख के, फिर मैंने तो टीवी बंद ही कर दिया था। आई थिंक मोहम्मद हारिस को बैटिंग नहीं दी गई है जहां तक मुझे मालूम है, या मोहम्मद हारिस को बैटिंग नहीं दी गई है, जस्ट कीपिंग के लिए उन्हें रखा था। तो खैर मोहम्मद हारिस को बैटिंग भी नहीं दी गई है, साउथ शकील को भी नहीं दी है,
अगर देते थे तो खैर उनका भी टेस्ट हो ही जाता। साउथ शकील ने तो खैर अच्छा किया था, मोहम्मद हारिस को बैटिंग दे देते तो पता चल जाता। खैर मोहम्मद हारिस के हिसाब की भी पिच है, उनके हिसाब का वो भी था, सिचुएशन भी थी, बट खैर ओवरऑल बैटिंग में तो इतना ज़्यादा नहीं है मसला, क्योंकि खैर बैटिंग पिचेस भी हैं। बट ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए हमें कि किस तरह की बॉलिंग होती है इन पिचेस पे, क्योंकि जिस तरह से वेरिएशन से उन्होंने बॉल की है, जिस तरह से उन्होंने, खैर उनकी भी फील्डिंग में लैप्स थे, बट स्टिल है कि उन्होंने बॉलिंग हमसे बेहतर की, दैट्स वाई वो जीत गए। और यही चीज़ हमेशा बड़ी चीज टीम्स की निशानी होती है, और हमें हमारी ये जो हम लैक कर रहे हैं ये बहुत ही हमें कॉस्ट कर सकता है वर्ल्ड कप में। और खैर आई डोंट नो क्या हमारे साथ मसला है, पहले हमारी बॉलिंग तो आउटस्टैंडिंग थी, नसीम बेशक उसमें मौजूद थे, बट शाहीन और हारिस रऊफ भी हमारे मेन बॉलर हैं और बहुत ही स्किलफुल बॉलर हैं, कोई डाउट नहीं है उनके टैलेंट पे। बट आई डोंट नो क्या हो गया है, शाहीन अर्ली ब्रेक थ्रू नहीं दिलवा सक रहे हैं, पता नहीं। एक तो एशिया कप में जब अर्ली ब्रेक थ्रू मिला था तो हमें मिडल में विकेट नहीं मिली थी, अब जरा मिडल में उसामा मीर विकेट लेके दे रहे हैं तो हमें स्टार्ट में विकेट नहीं मिलती। और खैर लास्ट टाइम तो स्टार्ट में मिल गई थी, 4 रन पे 1 विकेट गिर गई थी, फिर हमें कोई वो है कि हमारा कुछ सुनवाई नहीं हुई बॉलिंग में। तो ये खैर बहुत ही अलार्मिंग साइन है पाकिस्तान के लिए, और खैर आज उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेलेगा, बट नहीं खेला। खैर फुल स्ट्रेंथ आखिर में हो ही गई, क्योंकि बॉलिंग में तो हमारी फुल स्ट्रेंथ ही थी और बॉलिंग में ही हम ज़्यादा हमारी पिटाई हुई है, और बैटिंग में हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी बेशक, बट बाबर आजम को बेचारे को आना पड़ा हमें बचाने के लिए, वरना खैर 150 पे पूरी टीम ढेर होने वाली थी, और फिर बिल्कुल ही लो कॉन्फिडेंस के साथ खेलना पड़ता हमें वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच जो कि 6 अक्टूबर को है। और अल्लाह करे खैर उसमें हम कुछ अच्छी परफॉर्मेंस कर दें। खैर नैदरलैंड है, बट नैदरलैंड भी जिस तरह से इंटेंट के साथ खेलता है तो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हम इस तरह की लूसी बॉलिंग कराएंगे, इस तरह की गंदी बॉलिंग कराएंगे, तो फिर नैदरलैंड भी हमें बहुत मानने वाला है। और हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के लिए लास्ट चांस है, अब उन्हें तरीके की बॉलिंग करनी पड़ेगी, अब उन्हें वेरिएशन लानी पड़ेंगी। इस तरह के पिचेस वो पाकिस्तान में भी देखते ही रहे हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह से बॉलिंग की जाती है। नसीम शाह बेशक नहीं है, बट ये तो हमारे सीनियर बॉलर हैं, उनको चाहिए कि अब वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में अपनी जो सीनियर है, जो इनका स्किल है, जो इनका एक्सपीरियंस है, उससे पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं, और अगर विकेट्स नहीं मिलती है तो एटलीस्ट कंटेन तो करो भाई, प्लीज़ कंटेन तो करो। ये क्या है, कभी आपसे 350 आप है कि डिफेंड नहीं कर सकते हो, कभी आप ये फर्स्ट उसमें भी 350 करवा देते हो, इतनी रन खाते हो, क्या है ये, किस तरह की बॉलिंग हो रही है, ये हमारा हमारी स्ट्रेंथ है, फास्ट बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ थी और ये क्या हो गया, पता नहीं नज़र लगी है क्या हुआ है, कुछ नज़र शज़र उतारो इनकी, नसीब नहीं है, अब क्या करें, वो नहीं है, अब जो है उसको वो तो हमारे कुछ तरीके का करें। उसामा मीर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो शादाब खान पता नहीं कौन सी दुनिया में है, कौन से फ्रेम ऑफ माइंड में है, वो किस तरह की बॉलिंग हो रही है, क्या उनका माइंड सेट है, आई डोंट नो क्या उनके साथ हो रहा है। खैर बहुत ही ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ है पाकिस्तान, और बहुत ही मसाइल का शिकार है पाकिस्तान, और पता नहीं क्या होगा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का। उम्मीद है खैर कि पाकिस्तान कुछ बेहतर कर ले वर्ल्ड कप में और एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो पहुँचे, ऐसा ना हो कि सेमीफाइनल से पहले ही हम वापस आ रहे हों। अल्लाह खैर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सेमीफाइनल तो खेल लेंगे, कुछ ना कुछ करके किसी का हाथ किसी का पैर पकड़ के हम पहुँच जाएंगे सेमीफाइनल में एज ऑलवेज। बट खैर हालत तो लिटरली बहुत ख़राब है, बॉलिंग की हालत बहुत ख़राब है, पिच जैसी भी हो, बट आपको थोड़ी स्मार्ट बॉलिंग करनी पड़ेगी और आपको थोड़ा सा रन्स तो एटलीस्ट कंटेन करो, इस तरह से नहीं चलेगा। खैर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।